बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर में एक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। छात्र मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचा था, इसी दौरान वह नदी में डूब गया। घटना जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादरपुर की बताई जा रही है, जहां छात्रों का समूह मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचा था। इस दौरान एक छात्र मूर्ति के साथ नदी में चला गया। छात्रों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय गोताखोरों ने नदी से युवक को बाहर निकाला। इस दौरान युवक की सांसें चल रही थी, हालांकि अस्पताल जाने के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया। हाँ, मैं निकाला। कैसे डूबा था? हमारा तो फोन गया था, हम तो पंडाल कारीगर हैं जी। हम तो रामदियालो से आए हैं निकालने, हमारे घर दादरपुर तर है। आज तक सब लड़का को हम ही निकाले, बाकी हम जिस समय में निकाले हैं उस समय में हम नड़ी भी टोए हैं, नड़ी गुम हुआ था। हम सीना पर हाथ देने के बाद, उसका पेट जांचने के बाद, वो लड़का माने मुँह से थोड़ा गाँव के साथ आ गया है, माने सांस फेंकने लगा है। हम बोले हैं से बचना होगा, गर्म ऑक्सीजन चलने के बाद तो बचेगा, नहीं तो लड़का 5-10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। अब उतना ही पर ही लोग माने गाड़ी पर लेकर थाना वाला गाड़ी में लेकर चल दिया। उसके बाद लड़का उस समय जीवित था? वो बढ़िया, माने सांस चलना लगा, सांस चल रहा था। हाँ, माने पेट आते उल्टी होने के बाद, पेट जाते हैं उल्टी होने के बाद सांस चलने लगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखी गई है। हाँ, प्रशासन में आदमी को लेकर भागा है मेडिकल चटका।